हेलो गाइस, बंगड़ो चार नोटर पर। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले बेसिकली इंस्टाग्राम ऐप क्लोन जो हम बना रहे थे, उसमें हमने बहुत बहुत पहले मैंने वीडियो डाला था। वैसे तो उसका बहुत टाइम बाद वीडियो आ रहा है, पहले तो सॉरी उसके लिए। और उसके पहले हम बता दूंगा कि हम प्रोफाइल स्क्रीन का थोड़ा बना चुके थे, अब फीड स्क्रीन का मैं यहाँ पे इस वीडियो में डेवलप करने करूँगा थोड़ा सा। और सबसे पहले जो हम करेंगे इसके अंदर वो ये कि पहले तो मैं इसको हटा दूंगा। तो सबसे पहले बेसिकली एक हमें जो पोस्ट व्यू मॉडल बनाया है हमने, उसका एक वेरिएबल बनाएंगे और सिंपल यहाँ पे बेसिकली पोस्ट व्यू मॉडल इक्वल्स टू हेल्ड व्यू मॉडल जो हमने हमें करते हैं बेसिकली हम, ताकि वेट हेल्ड व्यू मॉडल, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, हम उस व्यू मॉडल के फंक्शंस को मतलब एक्सेस कर पाएंगे और वहां से वैल्यू को फेच कर पाएंगे, जस्ट लाइक दैट। पोस्ट व्यू मॉडल डॉट गेट ऑल पोस्ट अपलोड पोस्ट, यहाँ पे दो फंक्शन है हमारे पास। गेट ऑल पोस्ट हम करेंगे ताकि हमें जो पोस्ट वहाँ पे अपलोडेड है वो ऑलरेडी हमें मिल जाए, ठीक है। उसके बाद वेन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और वेन फंक्शन में हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम बेसिकली रिस्पॉन्स को गेट करेंगे कहाँ से, पोस्ट व्यू मॉडल जो हमने मिल रखा है उसमें जो पोस्ट डाटा होगा उसकी वैल्यू बेसिकली डॉट वैल्यू। अब इसके हिसाब से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसे कि इज रिस्पॉन्स दिस वाला दिस डॉट, अगर लोडिंग है तो हमें क्या करना है बेसिकली सिंपल। लोडिंग के टाइम पे हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं, सर्कल लर प्रोग्रेस इंडिकेटर हम शो कर देते हैं, दैट्स इट। उसके बाद इज रिस्पॉन्स अगर हमारा एरर है बेसिकली, ठीक है, तो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, और अगर सक्सेस है तो क्या इम्प्लीमेंट करना है, इतना ही है इसमें। और इसके हिसाब से हम बेसिकली अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले एरर का कर लेता हूँ, ताकि क्योंकि एरर का जो है वो छोटा होगा, और एरर में हमें सिर्फ एक टोस्ट हम शो करेंगे, टोस्ट मैसेज के साथ में मैसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जो भी हमें रिस्पॉन्स के साथ में मिलेगा मैसेज वो मैसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लोडिंग हो गया, सक्सेस एरर हो गया। अब हम सक्सेस जब हमें मिलेगी यानी कि हमें डाटा मिल चुका है, ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास डाटा आया है बेसिकली, तो उसमें हम उस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आपका जो डाटा होगा उसको सेव करेगा, तो ओबीजे बेसिकली रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स आया है उसमें से जो डाटा आया बेसिकली वो हम ऑब्जेक्ट में डालेंगे। अब ये डाटा हमारा किस टाइप का है, लिस्ट ऑफ पोस्ट बेसिकली, ठीक है। जो पोस्ट है, पोस्ट मॉडल हमने जो बनाया था उसकी लिस्ट है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। नाउ सिंपल एक हम क्या करेंगे, स्कैफोल्ड बनाएंगे, ठीक है। स्कैफोल्ड के अंदर हम पहले टॉप बार बनाएंगे, ठीक है। टॉप बार में आपका थोड़ा सा इसको ढंग से मैं कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो टॉप ऐप बार यहाँ पे हम बनाएंगे। टॉप ऐप बार में आप क्या क्या देना चाहेंगे वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जैसे मैं टाइटल दूंगा, टाइटल हमारा सिंपल इसमें टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट में मैं यहाँ पे दूंगा इंस्टाग्राम बना रहे हैं तो इंस्टाग्राम ही देंगे, ऑब्वियस सी बात है। एंड देन हमारे पास टेक्स्ट का यहाँ पे आएगा तो कंटेंट, कंटेंट यहाँ पे देंगे, तो बेसिकली आई गेस कुछ मिसिंग है, आई गेस टाइटल 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 कुछ देना पड़ता है क्या एक्स्ट्रा, आई डोंट थिंक सो। देन टाइटल यहाँ पे खत्म होगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा टॉप एप बार क्लोज हो जाएगा। एंड देन हमारे पास सो दैट्स अवर टॉप एप बार। और यहाँ पे हम टॉप एप बार के बाद जो एक्शंस हैं उसको, एक्शन बटन्स जो हमारी होती है बेसिकली
वो हम यहाँ पे करेंगे। तो आप एप बार के बाद में आई गेस समथिंग इज नॉट राइट, टॉप ऐप और दिस इज टॉप ऐप और इसको क्लोज करना है। ओके हाँ ठीक है, तो टाइटल हो गया हमारा। ठीक है, टाइटल के बाद ठीक है, तो टाइटल के बाद बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे मटेरियल थीम्स डॉट सरफेस कलर लूंगा डॉट कलर्स डॉट सरफेस। ओके तो हाँ, इसके बाद आप अगर एलिवेशन थोड़ा सा मैं दे देता हूँ 10 dpi का, आई थिंक दैट्स प्रेटी मच ओके। नाउ इफ अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक और चीज दे देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दूंगा एक नेविगेशन आइकन। ठीक है, नेविगेशन आइकन बेसिकली किस काम आएगा, जैसे कि अगर हमारा, क्योंकि जो टॉप पे हम दिखाएंगे वो एक लोगो होगा उसके अंदर, ठीक है, वो आप लोगो भी दिखाएंगे ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें मैं एक आइकन बटन डाल दूंगा ताकि हम लोगो भी शो कर सकें, हालांकि ऑन क्लिक में मैं इतना कुछ खास भी नहीं दूंगा। और उसके बाद आइकन बटन के अंदर आइकन प्रोवाइड करेंगे जिसमें हमें जो देना है आपको वो दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पेंटर दूंगा, पेंटर का इस्तेमाल करूंगा और पर्टिकुलर जो मेरे पास फोटो पड़ी हुई है मैं वही डालूंगा। ओके तो पेंटर इक्वल्स टू पेंटर रिसोर्स और आईडी हमारे पास पड़ी हुई है तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। ओके तो मुझे पहले यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि डायरेक्ट आ नहीं रहा है। डॉट एग्जाम्पल डॉट इंस्टाग्राम क्लू डॉट आर एंड नाउ आई थिंक आई कैन यूज दिस आर डॉट ड्राइवर डॉट आई सी इंस्टाग्राम। ओके तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली लोगो है तो लोगो डालो, आइकन बटन हो गया, ठीक है सब कुछ हो गया, टॉप एप बार हो गया बेसिकली। अब हम एक्शंस की तरफ जाएंगे, एक्शंस नहीं आ रहा है, एक्शंस आना चाहिए आई गेस बट नहीं आ रहा है। ओके सो बिकॉज नहीं आ रहा है क्योंकि हम गलत जगह पर डाल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है आई गेस, क्योंकि टॉप ऐप बार में ही एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो एक्शंस में बेसिकली हम क्या डाल सकते हैं, हमें अगर कोई टॉप ऐप बार में तो कुछ बटन शो करनी है तो वो हम टॉप ऐप बार में यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक बटन ऐड करूँ आइकन बटन, और इसमें आप मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा अभी बेसिकली, तो इस बटन में मैं क्या करूँगा, इस बटन को मैं रखूँगा एज अ जो हमारे पास मैसेज के लिए होता है, तो वो मैं यहाँ पे रखूँगा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट मैसेज एंड मैसेज। अब यहाँ पे आप एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऐड अपलोड पोस्ट का भी ऐड वो यहाँ पे डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मुझे करनी पड़ेगी आई गेस जो कि मैंने नहीं किया, मॉडिफायर डॉट साइज 30 dpi एंड टिंट इक्वल्स टू कलर अनस्पेसिफाइड। ओके सो ओके नाउ कलर अनस्पेसिफाइड की जगह मैं ब्लैक कर देता हूँ, हल्का कलर है इसलिए। और टॉप ऐप बार हो चुका है, अब आपका टॉप ऐप बार के बाद मैं यहाँ पे कंटेंट लगा देता हूँ। कंटेंट में ठीक है, कंटेंट हो गया और उसके बाद आपका रहेगा कंटेंट एंड देन आपका बॉटम बार। तो बॉटम बार में हम बेसिकली क्या देंगे, कंटेंट में अभी मैं आपको बताता हूँ क्या डालते हैं। बॉटम बार में हम देंगे जो हमारे पास बॉटम बार है ऑलरेडी वो हम प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि हमारा जो है नेविगेशन बेसिकली, तो वो हम बॉटम बार के अंदर इसमें रखेंगे। ठीक है, और इसको फिर हमें हटा देना पड़ेगा क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं रहेगा। एंड कंटेंट के अंदर हम देंगे हमारा
इंस्टाग्राम होम कंटेंट, ठीक है। अब ये हमें बनाना पड़ेगा तो हम इसका बनाएंगे इसको। अब आप चाहें तो इसके लिए एक अलग क्लास बना सकते हैं या फिर चाहें तो यहीं पे ही बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं पे बना ले रहा हूँ इंस्टाग्राम होम कंटेंट के लिए एक कंपोजेबल फंक्शन। तो इंस्टाग्राम होम फंक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करूँगा। कॉलम और इसमें कॉलम में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल एक दो तीन फंक्शन यहाँ पे मैं रन करूँगा इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए, ठीक है। और हालांकि इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए, क्योंकि देखिए तीन फंक्शन होते हैं होम जो आपका इंस्टाग्राम पे आता है, सबसे ऊपर आता है पर जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हमने बना दिया टॉप ऐप बार, उसके बाद आपकी स्टोरीज शो होती हैं, फिर उसके बाद आपके पोस्ट शो होते हैं, ठीक है। तो स्टोरीज को अभी हम निगलेक्ट करेंगे, हम इंस्टाग्राम स्टोरीज को निगलेक्ट करेंगे और सिर्फ जो है पोस्ट पे दिखाएंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट पोस्ट अब इंस्टाग्राम स्टोरीज कब दिखाएंगे, इंस्टाग्राम स्टोरीज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, अभी सिर्फ हम पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि एक इंस्टाग्राम स्टोरीज एक अलग कॉन्स पूरा एक उसमें चाहिए होगा हमें, उसके लिए हमें थोड़े से और रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगे, वो चीज़ हम पूरी करेंगे उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब चाहें तो हम इसी में ही फिर इंस्टाग्राम पोस्ट बना सकते थे, क्योंकि हमें फिर कॉलम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंस्टाग्राम पोस्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली कर ये सकते हैं कि हमें जो ओके तो देखिए पोस्ट लिस्ट हमें चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो पोस्ट लिस्ट, ठीक है, एंड ऑफ टाइप लिस्ट ऑफ पोस्ट, दैट्स इट। इंपोर्ट, तो बेसिकली एक तो फाउंडेशन डॉट लेजी कॉलम हमारे पास इम्पोर्टेड हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा रेडएक्स डॉट हम डॉट फाउंडेशन डॉट लेजी डॉट आइटम्स, विच आइटम्स के दिस इज द क्वेश्चन हियर, which items, I think this is the thing, but why is not allowing me to use this, because I think item content, okay, now it's working, so see, that's the type of Jetpack Compose currently, okay, हमें यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आप पता नहीं आपका कुछ कभी चल सकता है कभी नहीं चल सकता, जैसे कि आपने देखा अभी, but काम करेगा, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, इट शुड वर्क एंड करेगा, हमेशा करेगा। तो इंस्टाग्राम पोस्ट कंटेंट हो जाएगा और यहाँ पे हम बेसिकली जो हमारा पोस्ट है बेसिकली वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि जो हमें इट मिलेगा यहाँ पे वो हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। अब इस पे हम कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या क्या मिलेगा मैं पहले दिखा दूँ, इट से हमें क्या क्या मिलने वाला है, इमेज डिस्क्रिप्शन आईडी टाइम यूजर आईडी यूजर इमेज यूजर नेम, ठीक है। तो इस पे ही हमें बस देखना है। तो सबसे पहले इसमें जो मैं बनाऊंगा वो होगा मेरा कॉलम, एंड कॉलम के बाद इसको करेंगे हम इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा होगा प्रोफाइल इन्फो, ठीक है, प्रोफाइल इन्फो सेक्शन, जिसके अंदर हम पोस्ट इट प्रोवाइड कर देंगे, दैट्स इट। और प्रोफाइल सेक्शन में पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। प्रोफाइल सेक्शन में हमारा क्या होगा, बेसिकली प्रोफाइल सेक्शन में हम जो यूजर की फोटोज वगैरह हैं वो शो करेंगे, यूजर का डाटा है जो बेसिकली वो शो करेंगे, ठीक है। तो रो के अंदर ऑब्वियसली हमें मॉडिफायर यूज करना पड़ेगा, तो मॉडिफायर डॉट आपका पैडिंग मैं दूंगा 80 की, देन आपका फिल मैक्स विड्थ रहेगी इसमें, एंड अगेन वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट डॉट सेंटर वर्टिकली, एंड दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पे ओपन करेंगे इस ब्लॉक को,
और यहाँ पे हम लगाएंगे इमेज। इमेज में हम क्या करते हैं, सिंपल आइकन इस्तेमाल करेंगे, रिमेम्बर इमेज प्रिंटर। और डेटा की जगह पे हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एट डॉट यूजर इमेज, एंड देन हमारे पास कंटेंट डिस्क्रिप्शन जो कि आप दे सकते हैं प्रोफाइल इमेज, एंड देन इसमें आप हाँ इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टिंट आई गेस जो हम शायद नहीं इसमें करेंगे, कलर डॉट अनस्पेसिफाइड कर देते हैं। एंड ये हो गया हमारा इमेज बेसिकली। अब इमेज के बाद हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट में आपको देना क्या है, सबसे पहले एट डॉट यूजर का नेम, ठीक है। और इसमें स्टाइल आपकी रहेगी टाइपोग्राफी, ओके वी डोंट हैव टाइपोग्राफी हियर, ओके नॉट बैड, माय टाइपोग्राफी डॉट 41 आई थिंक, हाँ ठीक है 41 दे देते हैं। एंड देन आपका वही मॉडिफायर इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा मॉडिफायर डॉट कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पैडिंग बढ़ा दी है, आप कुछ और बढ़ा सकते हैं, मैं इसका वेट दे दूंगा 1F, ठीक है। एंड यानी कि उसी में रहेगा बेसिकली। देन आप टेक्स्ट अलाइन में प्रोवाइड कर दूंगा, टेक्स्ट अलाइन मेरा रहेगा अलाइन डॉट लेफ्ट बेसिकली, ओके टेक्स्ट अलाइन डॉट लेफ्ट, दैट्स इट। ये हो गया हमारा इमेज। देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइकन इस्तेमाल एक करूँगा, आइकन में मेरा रहेगा इमेज कटर, और ये मेरा आइकन जो होगा डिफॉल्ट आइकन में से एक होगा डिफॉल्ट मोर वर्ड, ठीक है, मोर वर्टिकल बेसिकली। इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं रुकिए क्या ही हूँ। तो ये हो गया हमारा बेसिकली प्रोफाइल का सेक्शन, ठीक है। अब ये प्रोफाइल सेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमारे पास पोस्ट का सेक्शन होगा, जहाँ पे हम बेसिकली पोस्ट जो हमारी इंस्टाग्राम की वो शो करेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम इमेज कहाँ पे शो करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एंड दैट्स इट। देन वी आर गुड टू गो देन। और इसी तरीके से बेसिकली होगा, कुछ खास इसमें नहीं, जैसे कि प्रोफाइल सेक्शन हो गया, इसी के नीचे हम इमेज हमारी जो होगी वो रख देंगे, प्रोफाइल इमेज, इमेज में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ प्रोफाइल इमेज नहीं सॉरी पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए बेसिकली ये यहाँ पे रहेगा, इसमें भी हम इट प्रोवाइड करेंगे और इसका भी कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बेसिकली एक तो सिंपल इमेज पहले तो शो कर देंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें था वैसे ही इसमें भी रहेगा, ओके। तो इसमें मैं हम उसे बस एक इमेज ही शो करनी है, तो आइकन का इस्तेमाल कर लेता हूँ, रिमेम्बर इमेज प्रिंटर कर देता हूँ डाटा का इस्तेमाल करके, एट डॉट जो पोस्ट इमेज है वो यहाँ पे डाल देंगे, कंटेंट डिस्क्रिप्शन नल कर दे रहा हूँ मैं, और ये इमेज पूरी है, इसकी वजह से वैसे तो पूरी करना था मुझे, पर पूरी नहीं रखेंगे क्योंकि वहाँ पे पता नहीं कितना इसका साइज रहेगा, तो मॉडिफायर लगाएंगे, मॉडिफायर डॉट आपका फिल मैक्स विड्थ पहले तो, देन हमें जो हाइट चाहिए वो हम यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, जो कि मैं 450.dp कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दैट्स इट। कंटेंट स्केल यहाँ पे होगा नहीं तो उसको मैं करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया हमारा आइकन बेसिकली, अब इसके बाद क्या, तो बेसिकली इसके बाद मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कॉलम में इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके मैं डिस्क्रिप्शन भी दे सकता था पोस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पोस्ट डिस्क्रिप्शन के लिए अलग बना लेता हूँ एक, तो पोस्ट इमेज हो गई ये तो, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा पोस्ट डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं इट प्रोवाइड करूंगा, दैट्स इट। तो ये डिस्क्रिप्शन की जगह पे इसको इमेज कर दे रहा हूँ, पोस्ट इमेज, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्लास बना देंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में क्या रखेंगे, डिस्क्रिप्शन में हम सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे,
तो जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड किए थे यूजर नेम के लिए, वैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर दूंगा मैं सिंपल। थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे क्योंकि सेंटर अलाइन रहेगा हमारा, वेट इज नॉट नेसेसरी है, हाइट तो नेसेसरी रहेगा, डॉट फिल मैक्स विड्थ एंड हाइट 30 dpi आई गेस काफी रहेगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा होगा नहीं। एंड रैप कंटेंट भी रह सकते हैं वैसे तो, रैप कंटेंट हाइट आपकी इसमें एक ऑप्शन होता है, आप वो कर सकते हैं रैप कंटेंट के हिसाब से 30 dpi रहेगा। टेक्स्ट अलाइन आपका यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेंगे इसको। हाँ ठीक है, इतना बहुत है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं इसमें कुछ खास हमें यूज़ करना है, सॉरी यूजर नेम की जगह पे पोस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, पोस्ट इमेज हो गया, पोस्ट डिस्क्रिप्शन हो गया और यूजर की इन्फॉर्मेशन हो गई एंड दैट्स इट। ये हमारा फीड स्क्रीन में शो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, शेयर करना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।